मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बिहार पुलिस की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। लापरवाही भी ऐसी कि इंसानियत को शर्मसार कर दे, जहां एक मां अपनी बेटी का शव ठेले पर लेकर कानून के दरवाजे पर पहुंची। बिहार के समस्तीपुर क्षेत्र के तलसिंह सराय का ये मामला है, जहां एक बेहद ही गरीब परिवार की 15 साल की सुजाता ने अपनी मां से नए कपड़े मांगे। गरीबी की वजह से उसकी मां अपनी बेटी को नए कपड़े नहीं दे सकी। कपड़े नहीं मिलने पर सुजाता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि मां भरोसा भी दिलाई थी कि मुंबई से पिता के लौट आने के बाद उसे नए कपड़े दिलाए जाएंगे, मगर अफसोस गरीबी की वजह से मां कपड़े नहीं दे सकी और सुजाता ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मगर बिहार पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर कानून के दरवाजे पर शव लाने की जिम्मेदारी उस बेबस मां पर छोड़ दी। चिलचिलाती धूप में अपने दो मासूम बच्चों के साथ ठेले पर शव रख कर कानून के दरवाजे पर एक बेबस मां पहुंची। अभी तो ठेला से कोई नहीं आवल तैयार है, ठेला से ले लिए सर। अभी यहाँ से समस्तीपुर जाए खातिर पैसा नहीं, बाली बंधक रख के तब ले जाए पोस्टमार्टम में सर। गरीबी का वो आलम है कि कानूनी खाना पूर्ति के लिए अपने गहने भी गिरवी रख दिए हैं। एक मां को अपनी बेटी का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस किसी बड़े नेता साहब की सुरक्षा में लगी हुई थी और गरीब के लिए कोई सुरक्षा नहीं और कोई सिस्टम नहीं है। तो अब पुलिस पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर एक बेबस माँ को एम्बुलेंस मुहैया क्यों नहीं कराई गई, आखिर क्यों ये शव ठेले पर लेकर कानून के दरवाजे तक आना पड़ा। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।